मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लॉकडाउन के बाद मंदिर खुलते ही मां लक्ष्मी के दरबार में करुणाधाम मंदिर पहुंचे और प्रदेश की संपन्नता के लिए देवी की आराधना की। 84 दिनों के बाद आज भोपाल में मंदिर खुले। मंदिर खुलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेहरू नगर में करुणाधाम आश्रम पहुंचे और मां लक्ष्मी की आराधना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आश्रम में पहुंचकर माता रानी और गणपति भगवान से प्रार्थना की कि नागरिकों की इस विपदा में वे रक्षा करें और प्रदेश को संपन्नता दें। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अन्य श्रद्धालुओं ने भी आश्रम में प्रार्थना की। आज 84 दिनों के बाद मंदिरों के पट खुले हैं। भोपाल में बाकी सब धर्म स्थल भी उपासना और साधना के लिए खोल दिए गए हैं। आज मैंने भी करुणाधाम आकर माँ को प्रणाम किया और प्रार्थना की कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो, हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश और विश्व भी कोरोना से मुक्त हो और हम सब फिर सामान्य जीवन जी सकें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।